हेलो फ्रेंड्स, माइंड शेपर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम झगड़े से रिलेटेड कॉमन इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, जिससे कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, जो कि वैसे नहीं होना चाहिए, या फिर तू तू मैं मैं हो जाए, घर पर हो या बाहर हो या ऑफिस में हो किसी कुलीग के साथ, तो उस समय अगर सामने वाला इंसान इंग्लिश में बोलना शुरू कर दे तो आप उसकी बात को समझ कर इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? Who the hell do you think you are? पागल हो गए हो क्या? Have you gone mad? Gone mad का मतलब होता है पागल हो गए हो। पागल हो गए हो क्या? Have you gone mad? क्या आपके होश ठिकाने पर हैं? Are you in your senses? सेंसेस यूज किया जाता है होश के लिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू? रॉन्ग मतलब गलत, मतलब मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? सो केयरलेस इसका मीनिंग होता है लापरवाह होना। तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंड यूर वेज। मेंड यूर वेज का मतलब होता है अपने तरीकों को बदलना। तो सुधारना पड़ेगा मतलब तुमको अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, मेंड करना पड़ेगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा करना। मुझे पता है कि तुम अपनी बात पर अड़े रहोगे। आई नो दैट यू वॉन्ट बज। बज का मतलब होता है हिलना। यू वॉन्ट बज मतलब आप अपनी बात से नहीं हिलोगे, उस पर अड़े रहोगे। तुम हमेशा अपना वादा तोड़ते हो। यू नेवर कीप योर वर्ड्स। कीप योर वर्ड्स का मतलब होता है वादा रखना। नेवर कीप योर वर्ड्स, वादा तोड़ना। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट का मतलब हो गया ज्यादा होशियार बनना। उस समय तो मैं अपना गुस्सा पी गया था। आई बॉटल्ड माई एंगर एट दैट टाइम। बॉटल माई एंगर का मतलब होता है गुस्सा पीना। तुम ही इस सारे झमेले के लिए जिम्मेदार हो। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसअप। मैसअप का मतलब होता है झमेला, पूरा बिगड़ जाना, सब इधर उधर हो जाना। आवेश में मत आओ। डोंट गेट एक्साइटेड। जबान संभाल कर बात करो। माइंड योर वर्ड्स, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आना। भाड़ में जाओ। गो टू हेल। अब जो हो सो हो। नाउ कम व्हाट मे। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। दिस हैपेंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। घुमा फिरा कर बात मत करो, मुद्दे पर आओ। डोंट बीट अराउंड द बुश। स्ट्रेट कम टू द पॉइंट। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? देयर वॉज नो गुफ अप। वट इज दिस फस ऑल अबाउट? गुफ अप जो होता है इसका मतलब होता है गड़बड़। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? देयर वॉज नो गुफ अप। और फस का मतलब होता है हंगामा। वट इज दिस फस ऑल अबाउट? सो बेसिकली हम कह रहे हैं इतना हंगामा क्यों कर रहे हो, इतना भड़क क्यों रहे हो। अपना मुंह बंद रखो। कीप योर माउथ शट। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाउ डेयर यू। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अशेम्ड का मतलब होता है खुद पे शर्म आना, शर्मिंदा होना। तुम बेकार ही नाराज हो रहे हो। यू आर अननेसेसरली गेटिंग एनॉयड। अननेसेसरली का मतलब होता है बेकार में, और एनॉयड का मतलब होता है चिढ़ जाना। यू आर अननेसेसरली गेटिंग एनॉयड। तुम बेकार में नाराज हो रहे हो या बेकार में चिढ़ रहे हो।
मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू yield टू योर थ्रेट्स। yield टू थ्रेट्स का मतलब होता है धमकियों के सामने झुक जाना या उससे दब जाना। बेवकूफ मत बनो, डोंट बी सिली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट स्पेयर यू। मेरी आंखों से दूर हो जाओ, गेट लॉस्ट। तुम बहुत धूर्त हो, यू आर वेरी मीन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं यू आर वेरी कनिंग। मीन का मतलब होता है नीच या घटिया। दोनों ही सेंटेंसेस इस कॉन्टेक्स्ट में सही है, कोई भी यूज किया जा सकता है। ध्यान रहे कि ये बात दोबारा मुंह से ना निकले। बीवेयर, डोंट अटर इट अगेन। अटर का मतलब होता है बोलना। मुझे अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना। नेवर शो मी योर फेस अगेन। तुम आपे से बाहर क्यों हो रहे हो? Why are you losing your temper? Losing your temper मतलब आपे से बाहर होना। मेरे रास्ते में आना बंद करो। Stop getting in my way। क्या बकवास है? What rubbish? अपनी औकात में रहो। Be in your limits। यह मेरी गलती नहीं थी। It was not my fault। तुम इससे बच नहीं सकते। You can't escape from this। Escape का मतलब होता है बचना, निकल जाना किसी भी चीज से बाहर। You can't escape मतलब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, आप इससे नहीं बच सकते। बक बक मत करो, Stop yapping। तुम पर लानत है, Shame on you। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ वाक्य झगड़े से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका फायदा उठा पाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले सारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।